बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की किस्त में आप हज़रत शैया बिन अमसिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुनेंगे। उनके मुतालिक मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि उनका ज़माना हज़रत ज़करिया और ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है, और ये उन अंबिया में से हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नबी होने और तशरीफ़ आवरी की खबर दी थी। उनके दौर में सरजमीन बैतुल मुकद्दस में बनी इसराइल के बादशाह हरकिया थे, और हज़रत शैया अलैहिस्सलाम उसको जो भी हुक्म फरमाते या किसी चीज़ से मना करते तो वो हर तरह की फरमाबरदारी करते। बनी इसराइल में बड़े बड़े हादसात रूनुमा हुए, जिसकी वजह से बादशाह बीमार हो गया और उसकी टांग पर एक फोड़ा निकल आया। उस दौर में बाबुल के बादशाह सखारीब ने बैतुल मुकद्दस पर चढ़ाई कर दी। मोहम्मद बिन इसहाक फरमाते हैं कि वो 6 लाख झंडों तले आया और लोग बहुत ज़्यादा दहशत ज़दा हो गए। तो बादशाह ने हज़रत शैया अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह ताला ने सखारीब और उसके लश्कर के मुतालिक क्या वही फरमाई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अभी तक तो उसके मुतालिक मेरी तरफ कोई वही नाजिल नहीं हुई। फिर बाद में वही नाजिल हुई कि हरकिया बादशाह को हुक्म करो कि वो वसीयत करे और मुल्क पर जिसको चाहे बादशाह बना दे, क्योंकि उसकी मौत करीब है। जब उन्होंने बादशाह को ये खबर सुनाई तो बादशाह किबला की तरफ मुतवज्जे हुआ और नमाज पढ़ी और अल्लाह की तस्बीह बयान की और दुआ की, और खूब रोते रोते और इज्जो इनकसारी करते हुए इखलास के साथ अल्लाह पर एतमाद करते हुए और हौसले के साथ कहा, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ माबूदों के माबूद, ऐ रहमान रहीम, ऐ वो ज़ात जिसको ऊँग नहीं आती और ना ही नींद, मेरे अमल, मेरे काम और बनी इसराइल पर मेरे अच्छे फैसले की वजह से मुझे याद रख। ये सब कुछ तेरी तौफीक की वजह से हुआ। तू मुझे मेरी ज़ात से ज़्यादा जानता है। मेरा ज़ाहिर और मेरा बातिन तेरे सामने है। रावी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और उस पर रहम किया, और हज़रत शैया अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि उसे खुशखबरी सुना दें कि अल्लाह ने तेरे रोने की वजह से तुझ पर रहम किया और तेरी ज़िंदगी में 15 साल का इजाफा कर दिया और मौत मौखर कर दी है, और मुझे तेरे दुश्मन सखारीब से निजात दे दी है। जब हज़रत शैया अलैहिस्सलाम ने यह खबर बादशाह को सुनाई तो उसकी परेशानी और गम जाता रहा, और वो अल्लाह के लिए सजदे में गिर गया, और उसने अपने सजदे में कहा कि ऐ अल्लाह, तू जिसको चाहता है बादशाह दे देता है, और जिससे चाहता है बादशाह छीन लेता है, और जिसको चाहता है इज्जत देता है, और जिसको चाहता है जलील व रुसवा करता है। तू गायब और हाजिर को जानता है। तू ही अव्वल व आखिर है। तू रहम करता है और मजबूर लोगों की दुआ कबूल करता है। जब उसने सजदे से अपना सर उठाया तो अल्लाह ताला ने हज़रत शैया अलैहिस्सलाम की तरह वही फरमाई कि इसको हुक्म दें कि वो इंजीर का पानी लेकर अपने फोड़े पर डाले तो वो तंदुरुस्त और शफा याब हो जाएगा। बादशाह ने यह अमल किया और वो ठीक हो गया। दूसरी तरफ अल्लाह ने सखारीब के लश्करों पर मौत भेज दी और वो सब के सब हलाक हो गए। उनमें से सिर्फ बादशाह सखारीब और उसके 5-6 साथी बच गए। उनमें से एक बख्त नसर भी था। बनी इसराइल के बादशाह ने आदमी भेजे तो वो उनको लेकर बादशाह के पास हाजिर हो गया। उसने उनको बेड़ियां पहना दी और उनको सजा देने और जलील व रुसवा करने के लिए 17 दिन तक शहरों में चक्कर दिलाता रहा। उनमें से हर एक को जौ की 2 रोटी खिलाता रहा, फिर उनको कैद खाने में बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने नबी शैया अलैहिस्सलाम की तरह वही भेजी कि बादशाह को कहो कि वो इनको उनके मुल्क को इलाके में भेज दे ताकि वो अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराएं। जब वो लोग वापस हो गए तो सखारीब ने अपनी कौम को इकट्ठा किया और अपने साथ पेश आने वाले हालात से उनको खबरदार किया। तो उसके जादूगरों और कहानों ने सखारीब से कहा कि हमने तो पहले ही आपको इनके परवरदिगार और उनके अंबिया के मुतालिक बता दिया था, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी थी। वो ऐसी जमात है कि उनके रब की मदद की मौजूदगी में उनको कोई नुकसान नहीं दे सकता। सखारीब की वजह से अल्लाह ने उसकी कौम को खौफजदा कर दिया।
फिर 7 साल बाद सखारीब भी फौत हो गया। इब्ने इसहाक ने कहा है कि जब बनी इसराइल के बादशाह हिजकिया फौत हो गए तो उनका मामला बिगड़ गया, शर फसाद फैल गया, तो अल्लाह ताला ने शैया अलैहि सलाम की तरह वही फरमाई। उन्होंने उनको वाज़ो नसीहत की और उनको उनके अंजाम से खबरदार किया कि अगर वो लोग उनकी मुखालफत और नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। जब शैया अलैहि सलाम अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया और उनको कत्ल करने के लिए उनको पकड़ने की कोशिश की। वो उनसे भागे और एक दरख्त के पास से गुजरे तो वो उनके लिए फट गया, आप उसमें दाखिल हो गए, लेकिन शैतान ने उनके कपड़े का एक कोना पकड़कर जाहिर कर दिया। जब उन लोगों ने आपको देखा तो उन्होंने आरा लाकर दरख्त पर रखा और दरख्त को आपके समेत चीर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन किराम, ये था मुख्तसर सा किस्सा अल्लाह के नबी हज़रत शैया बिन अमसिया अलैहि सलाम का। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।